हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में, और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नाइल रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था मुला पेरियार डैम को लेकर के, तो मुला पेरियार डैम को अगर हम मैप में व्यू करें, मुला पेरियार डैम केरला स्टेट में लोकेटेड है, 126 साल पुराना डैम है ये, और मुलायार और पेरियार टू इम्पोर्टेंट रिवर जो पेरियार नेशनल पार्क से भी फ्लो करती हैं, उन दोनों रिवर के कन्फ्लुएंस पॉइंट पर इसका फॉर्मेशन किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि केरला स्टेट में लोकेटेड है, लेकिन इस डैम को मेंटेन एंड गवर्न जो है वो तमिलनाडु स्टेट द्वारा किया जाता है। तमिलनाडु स्टेट इस डैम के वाटर का अपने यहाँ पर इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए एंड हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसका यूज़ करता है। बात हमने की पेरियार रिवर की, तो पेरियार रिवर जो है वो केरला स्टेट की लॉन्गेस्ट रिवर है और इसको लाइफलाइन ऑफ केरला के नाम से भी जानते हैं। अब दोनों स्टेट्स में जो इश्यू हैं मुला पेरियार डैम को लेकर के, इसको लेकर के हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस करेंगे। ये जो मुला पेरियार डैम है इसका हाईएस्ट लेवल जो है वो 152 फीट तक हो सकता है, मतलब इतना पानी जो है, इतनी हाइट तक इसमें पानी स्टोर किया जा सकता है। लेकिन ये डैम काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसीलिए केरला जो है वो टाइम टू टाइम इस डैम की सेफ्टी को लेकर के इशू क्रिएट करता रहता है कि अगर आप इसके हाईएस्ट लेवल तक वाटर स्टोर करोगे तो अगर यहाँ पर कुछ इशू देखने को मिला जिसकी वजह से इस डैम के लोअर एरिया में जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले 1979 में केसी थॉमस, जो उस समय हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन के हेड थे, इनकी चेयरमैनशिप में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है कि मुला पेरियार डैम में 136 फीट तक ही वाटर को स्टोर किया जाएगा, इतने लेवल तक ही वाटर स्टोर किया जाएगा। लेकिन टाइम टू टाइम हम ये देखते हैं कि तमिलनाडु स्टेट जो है इसकी जो लिमिटेशन है उसको कवर करके, इसको क्रॉस करके एक्सट्रीम लेवल तक वाटर स्टोर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ही रेगुलर इस डैम को लेकर के इशू बने रहते हैं। अब इसी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लास्ट ईयर डैम सेफ्टी एक्ट जो है वो लेकर के आया। इसमें सेंट्रल लेवल पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप किए जाएंगे, स्टेट लेवल पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे और उनमें कोऑपरेशन के थ्रू इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मुला पेरियार डैम जो है वो इसी वजह से रेगुलर जो है वो न्यूज़ में रहता है। और यहाँ पर लास्ट ईयर केरला स्टेट में लैंडस्लाइड इशू देखने को भी मिले थे, जिसकी वजह से ये भी बोला गया कि हो सकता है कि इस एरिया में भी लैंडस्लाइड होने की वजह से इस डैम की जो सेफ्टी है उसमें इशू क्रिएट हो और फिर यहाँ पर जो लोअर एरियाज में जो लोग रहते हैं इसके के फ्लोइंग पार्ट में उसके उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो सकते हैं। तो ये मुला पेरियार डैम को लेकर के बेसिक फैक्ट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 अगर यूपीएससी आपका टारगेट है तो आप इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे जो स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको हम डेली बेसिस पर टारगेट दे करके, जिस तरीके से इवेल्युएशन उनका रेगुलर बेसिस पर चल रहा है, उनका बहुत सारा पार्ट जो है जैसे एनसीईआरटी से हमने स्टार्ट करवाई, उसके साथ में जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी हम फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ में ज्योग्राफी मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी उनके लिए करवाए जाते हैं, टाइम टू टाइम उनका जो रिवीजन टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि एक डिसिप्लिन वे में आपकी प्रिपरेशन हो और आपको एक गाइडेंस चाहिए जो प्रॉपर वे में आपको टारगेट दे, मतलब इस मेंटोरशिप प्रोग्राम का एक सीधा सा बेनिफिट ये है कि आपको जो डेली टारगेट बनाना, मतलब आपका जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स के पहले प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कैसे कवर होगा और मेंस से पहले मेंस के अकॉर्डिंग कैसे कवर होगा, ये जो टेंशन है या ये जो टारगेट डिसाइड करना है वो हमारे
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे मेंटोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टारगेट को हम इस तरीके से कवर अप करेंगे कि प्रीलिम्स से पहले आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए और मेंस से पहले आपका मेंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से हम डेली बेसिस पर टारगेट दे रहे हैं जिसमें ना सिर्फ आपका स्टैटिक पार्ट बल्कि आपका जो करंट अफेयर पार्ट है वो भी साथ में कवर करवाया जा रहा है। तो कंप्लीटली आपका रिविजन भी हो रहा है, आपका डेली बेसिस पर टारगेट भी हो रहा है और आपकी स्टडी जो है वो एक स्मूथ वे में आगे बढ़ रही है। तो आप हमारे इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के भी, वहाँ पर जाकर भी इसके और अदर फीचर्स से भी आप व्यू कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि बेनिफिट है हमारे लिए, एक प्रॉपर वे में स्ट्रेटजी हमें प्रोवाइड करवाई जाती है यहाँ पर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर और न्यूज़ रिलेटेड है बिहार स्टेट को लेकर के, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है और किस तरीके से पॉलिटिक्स में जो चेंज देखने को मिलता है, मतलब हमारे जीएस पेपर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स में पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल रिलेटेड है। इसमें टर्म है फ्लोर टेस्ट, इसमें टर्म है स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो नई गवर्नमेंट बनी है महागठबंधन, जो जिस बेसिस पर यहाँ पर जो चुनाव है वो लड़े गए थे, फिर बाद में जो है यहाँ पर नीतीश कुमार की जो पार्टी है उन्होंने बीजेपी के साथ में अलायंस बना करके गवर्नमेंट बना ली और यहाँ पर अब दोबारा से जो महागठबंधन जिनके बेसिस पर इलेक्शन हुए थे उसी महागठबंधन का अलायंस फिर से देखने को मिला है। तो अब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली, तो गवर्नमेंट बनाने के बाद में उनका फ्लो टेस्ट करवाया जाता है। तो फ्लो टेस्ट यहाँ पर किया गया और फ्लो टेस्ट में इस महागठबंधन ने अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दी है। ओके, तो यहाँ पर जो फ्लो टेस्ट है वो क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 175 सब क्लोज 2 जो है वो ये बोलता है कि गवर्नर जो है वो समन कर सकता है हाउस को कि जो है आपको फ्लो टेस्ट करवाना है और आपके पास में इतनी मेजोरिटी है या नहीं है, इतने नंबर्स है या नहीं है कि आप गवर्नमेंट बना सको, वो चीज़ें यहाँ पर प्रूव करनी होती है। मतलब आपकी मेजोरिटी आपको प्रूव करनी होती है, सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझो फ्लो टेस्ट को। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हाउस सेशन में होता है, जब हाउस सेशन में होता है तब स्पीकर के पास में पावर होती है फ्लो टेस्ट करवाने की, और जब जो असेंबली जो सेशन में नहीं होती है तो उस टाइम गवर्नर के पास में पावर होती है। गवर्नर के पास में जो पावर होती है वो आर्टिकल 163 के अंडर आती है। आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए फ्लो टेस्ट को लेकर के। फ्लो टेस्ट का सीधा और सिंपल अर्थ ये होता है आपको मेजोरिटी प्रूव करनी होती है कि आपके पास में कंफर्ट जोन में सीट है या नहीं है, नंबर है या नहीं है कि आप वहाँ पर क्या बना सको, गवर्नमेंट बना सको किसी भी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, यूटी के लेवल पर या फिर सेंट्रल लेवल पर। तो जो फ्लो टेस्ट होता है सेम इसका ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होती है, लेकिन सेंट्रल लेवल पर जगह हम देखेंगे तो प्रेसिडेंट यहाँ पर पावरफुल हो जाता है और प्रेसिडेंट जो है उसके आर्टिकल जो हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो सुप्रीम कोर्ट जो है, यहाँ देखिए एक सेकेंड, देखो आज सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए अभी प्रेजेंट टाइम में कोर अमेंडमेंट्स, उनको लेकर के रिव्यू पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आज इस केस की सुनवाई करेगा, रिव्यू करेगा कि किन किन चीज़ों को लेकर के इशू हैं। तो ये पीएमएलए क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक क्राइम माना गया है हमारे इंडिया में भी, और इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2002 में इस एक्ट को एस्टेब्लिश किया। यहाँ देखिए 2002 में हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक्ट लेकर के आई, पीएमएलए एक्ट, और इस एक्ट में टाइम टू टाइम जिस जिस तरीके से सरकमस्टेंसेज में चेंज हुआ उस तरीके से इस एक्ट में चेंज किया गया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में भी इसमें कुछ चेंज किया गया है और उसी चेंज को जो है यहाँ पर चैलेंज करने की कोशिश की गई है। ये जो चेंज किया गया है इसके बारे में ये बोला गया है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उनको मोर पावरफुल यहाँ पर बनाया गया है, उसी के बेसिस पर ये जो रिव्यू पिटीशन यहाँ पर डाली गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो ना सिर्फ आपके कंट्री के बेसिस पर आपकी इकोनॉमी इन सबको नुकसान पहुँचाती है, बल्कि अगर हम बात करें तो टेररिज्म
और भी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं इनको प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसीलिए मनी लॉन्ड्री को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मतलब इल्लीगल तरीके से मनी कमाया गया और फिर इसको इल्लीगल तरीके से कहीं और इन्वेस्ट करने की कोशिश की जाए, तो ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग। और इससे टेररिज्म को भी काफ़ी प्रमोशन देखने को मिल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, इसीलिए इसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई। वियना कन्वेंशन जो ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं उन्हीं को कम्प्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश की थी 2002 में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो 2013 में यहाँ पर कुछ प्रॉमिस किए गए थे, इलेक्शन से पहले कुछ प्रॉमिस किए गए किसी कैंडिडेट के द्वारा, तो उन्हीं को लेकर के क्वेश्चन किया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है इसी को लेकर के डिस्कशन किया। अभी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है कि फ्री वाइज एक मेजर इशू चल रहा है, सभी गवर्नमेंट लेवल पर अदर पार्टी जो है इसको रेगुलेट करवाने की बात भी कर रही हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन, हमारे जो CGI है उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, ये नेक्स्ट पेज पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि 2013 के टाइम में किसी कैंडिडेट ने कुछ प्रॉमिस किए, जब प्रॉमिस किए गए तो फिर उसके बाद में बहुत ही मैक्सिमम लेवल के प्रॉमिस किए गए, तो उसी को लेकर के क्वेश्चन किया गया। और जब क्वेश्चन किया गया तो पार्टी जिसे वो बिलोंग करते थे उन्होंने क्लियर बोल दिया कि ये तो हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके प्रॉमिस हैं, हमारी पार्टी के थोड़ा ना प्रॉमिस है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो भाई, कोई भी प्रॉमिस कर रहा है वो आपकी पार्टी की टिकट से अपने आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप पर आपने उसको टिकट दिया है, आपने उसको अपना कैंडिडेट बनाया है, मतलब वो आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है उसको, मतलब कोई कैंडिडेट अगर प्रॉमिस करता है तो उसको पार्टी अपनी लायबिलिटी से पीछे नहीं हट सकती है कि ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको गवर्न करना चाहिए। जिन लोगों को आपने टिकट दिया है, जिनको आपने अपना कैंडिडेट बनाया है, उन सभी के साथ में एक डिस्कशन होना चाहिए कि किन किन पॉइंट्स के बेसिस पर हम प्रॉमिस करेंगे, किन किन पॉइंट्स को लेकर के, और फिर उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम अच्छे से काम भी कर पाए। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है ये तो अभी फ्रंट पेज पर जो कांग्रेस में एक तरीके से लीडरशिप देने की कोशिश की जा रही है राजस्थान स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको, तो उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि कांग्रेस का इंटरनल प्रोसीजर है किस तरीके से वहाँ पर किसको लीडरशिप दी जा सकती है। ये जो नेक्स्ट इशू है, अभी एक प्रॉब्लम देखने को मिली कि जो वोटर आईडी कार्ड है उसको आधार लिंक किया जा रहा था, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो पहले स्टार्टिंग में ये बात बोली गई थी कि जो वोटर आईडी कार्ड है उससे आधार लिंक जो है वो करवाया जा सके, क्योंकि बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि जो लोग हैं वो गाँव से सिटीज़ में जाते हैं, फिर वहाँ के कुछ अपनी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाने के लिए वो उस एरिया में जो है अपना रेजिडेंस प्रूफ देने के लिए इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड में भी अपना नाम जुड़वा लेते हैं, और इसके बाद में बहुत सारे इशू जो हैं वो क्रिएट होने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फेक आईडी जो हैं वो रजिस्टर होते हैं हर सेंटर पर। तो इन्हीं को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि जो हमारे इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड है उसको हम रेगुलेट करेंगे किससे, आधार कार्ड से, और जब ये लिंक होगा तो हम टेक्निकली बेसिस पर जो भी अदर अदर एरियाज में लोगों के अलग अलग जगह पर वोटर आईडी कार्ड में उनका नाम रजिस्टर है उनको हम रिमूव कर सकेंगे। इसके अलावा वो डेड पर्सन जिनकी डेथ हो चुकी है उनको भी रिमूव किया जा सकेगा, ताकि हमें एक रियल डाटा जो है हमारी पॉपुलेशन का मिल सके, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पॉलिसी है, जो भी अदर प्रोमिस जो हमारी गवर्नमेंट देना चाहती है, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है हमारी पॉपुलेशन को, वो ईजिली कर पाए। ओके, तो इन सारे इश्यूज को सोल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को मतलब जो लिंकिंग है आधार कार्ड का वो इसलिए इंश्योर किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाद में इस चीज़ को लेकर के एक तरीके से अपोज किया गया कि आप आधार कार्ड को लिंक करवा रहे हो, इसकी वजह से जो आपकी प्राइवेसी है उसमें एनक्रोच किया जा सकता है, जो आपके डाटा है उनका मिसयूज किया जा सकता है। तो बाद में इसको वॉलेंट्री बेसिस पर बना दिया कि अगर कोई ज्वाइन करवाना चाहता है तो ठीक है, नहीं करवाना चाहता है तो ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ स्टेट में ये जो लिंकिंग है वो इस तरीके से इंश्योर किया गया कि लिंकिंग करवाना ही है। तो ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि एक तो हमें बेसिक अवेयरनेस नहीं है किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को लेकर के, कि कौन से रूल एंड रेगुलेशन बन रहे हैं और वो कहाँ पर एप्लीकेबल होने चाहिए। इससे पहले भी हमने किसी एक्ट को लेकर के डिस्कस किया था कि बहुत लंबे टाइम पहले जो हमारी जुडिशरी है उस पार्ट को उन्होंने नलीफाई कर दिया था, लेकिन अभी भी उनके नाम पर केस रजिस्टर होते हैं उस एक्ट के नाम पर। मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो कौन सा एक्ट था, जल्दी कल के वीडियो में उसके बारे में हम बेसिक डिस्कशन करेंगे कि उसको नलीफाई कर दिया, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, लेकिन फिर भी केस रजिस्टर हो
रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें दिखाती हैं कि एक बेसिक अवेयरनेस क्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम अगर बनी रही तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, जब ग्राउंड लेवल पर वो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, आधार कार्ड से जो लिंकिंग है वोटर आईडी कार्ड का, इससे आपकी जो प्राइवेसी है वो खत्म हो सकती है, आपके जो डाटा है उनका मिसयूज किया जा सकता है। हाँ, इस प्रॉब्लम को हम टैकल करें, इसका जो हमें कुछ ऐसा अल्टरनेट सोर्स निकालें ताकि जो हमारे रियल डाटा है पॉपुलेशन के वो भी सामने आ सके, फेक वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन भी ना हो सके और जो हमारे डाटा है उनकी भी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रह सके, ये सारी चीज़ें एंश्योर की जा सके। ओके, तो यहाँ पर जिस तरीके से वॉलंटरी बेसिस पर इसको एप्लीकेबल करने की कोशिश की गई है, उसी तरीके से अभी प्रेजेंट टाइम में इसको एप्लीकेबल किया जाए। यहाँ पर जो आर्टिकल है G20 ग्रुप के बारे में, राइटर का ये बोलना है कि नेक्स्ट ईयर जो है, इस साल के 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो है, इंडिया जो है वो चेयरमैन रहेगा ग्रुप ऑफ 20 का, मींस G20 ग्रुप का। तो यहाँ पर ये बताया गया, राइटर ने बोला है कि 3 महीने बचे हैं, लेफ्ट 3 मंथ्स ओनली, जब इंडिया जो है इसकी लीडरशिप लेगा, इसको गवर्न करेगा 1 ईयर तक। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं कि 200 मीटिंग्स लगभग ली जाएंगी अलग अलग लेवल पर, जैसे कि 100 ऑफ मिनिस्टर्स, ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स, बिजनेसमैन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग ग्रुप्स, एंगेजमेंट ग्रुप्स ऑफ द G20 जो है, जिसमें 19 पावरफुल इकोनॉमीज हैं एंड यूरोपियन यूनियन है। वैसे इससे पहले भी इंडिया ने कुछ लार्ज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि 1983 में नॉन अलाइन मूवमेंट समिट जो है वो कंडक्ट करवाई, 2015 में 3rd इंडिया अफ्रीका फोरम जो है वो भी कंप्लीट करवाई, लेकिन अभी G20 से आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकती हो। G20 को लेकर के कुछ डाटा भी रख रखे हैं कि G20 मेंबर्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड के 90% GDP को रिप्रेजेंट करते हैं, 80% ग्लोबल ट्रेड को और 67% प्लेनेट की जो पॉपुलेशन, मतलब पूरे अर्थ पर जो पॉपुलेशन है उसके 67% पार्ट को जो है वो G20 ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर G20 में कुछ भी चेंज होते हैं या फिर कुछ भी यहाँ पर बेसिक ऐसी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, G20 ग्रुप जो है एक एडवाइजरी बॉडी है, ये कोई ट्रीटी बेस्ड फॉर्म नहीं है। इसके जो डिसीजन होते हैं वो सिर्फ इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको रिकमेंडेशन के बेसिस, मतलब सिफारिश के बेसिस पर दिए जाते हैं, वो एप्लीकेबल करने हैं या नहीं करने हैं वो डिपेंड करते हैं उस कंट्री के ऊपर। मतलब यहाँ पर एक जो है बाइंडिंग फॉर्म में कोई भी रिजल्ट निकल करके नहीं आता है। लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जिस तरीके से UN, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO, WHO, अदर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, ये जो है वो G20 को एक इनकम्पेरेबल बॉडी बनाते हैं। जब भी मीटिंग होती है इन सबका जो पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है वो इसको इनकम्पेरेबल बॉडी बना देती है। यहाँ पर हम बात करें कि इंडिया इसको यहाँ पर अपनी लीडरशिप देगा, तो इंडिया ने जिस तरीके से अपने यहाँ पर चेंज किया है, जैसे कि सबसे पहले तो G20 के बारे में बताया गया है, 2008-09 के टाइम में फाइनेंशियल और ग्लोबल जो चैलेंजेस थे उनको एड्रेस करने में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये जो फोरम है, वैसे अगर हम बात करें तो 2008 में जो गवर्नमेंट और स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके द्वारा इसको एलिवेट किया गया था और उस टाइम का एरा था G8 का, मतलब G8 मतलब रशिया भी पार्टिसिपेट था G7 कंट्रीज़ के साथ में। 2014 में इसको हटा दिया गया क्योंकि रशिया ने क्रीमिया वाले पार्ट को अंडर कर लिया था यूक्रेन की। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में जब G8 का फॉर्मूला था तो 2 मेजर पावर थी, यूनाइटेड स्टेट एंड EU, रशिया, चाइना, ये सारे जो हैं वो एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पॉलिटिकल डायमेंशन चेंज होने की, तो इसका बेसिक रीजन ये है कि जिस तरीके से अभी प्रेजेंट टाइम में कोविड पेंडेमिक आया, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया जो है वो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोल्व करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोविड के टाइम में इंडिया ने काफ़ी अच्छा अपना जो लीडरशिप है वो प्रोवाइड की पूरे वर्ल्ड को। दूसरा अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन प्रेजेंट टाइम में इशू चल रहा है,
और भी अदर इश्यूज हैं, चाइना और जो यूएस है उनके रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको इंडिया अगर चाहे तो इन सभी इश्यूज को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इंडिया ने अपने लेवल के जो इश्यूज हैं उनको काफ़ी अच्छे लेवल पर सॉल्व किया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोविड के टाइम में इंडिया ने काफ़ी अच्छा जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। फिर उसके बाद में वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो इंडिया ने इतनी पॉपुलेशन होते हुए भी इतने अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया है। इंडिया जो है वो और भी अदर इशू जैसे कि अपने रीजनल एरियाज़ में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में किस तरीके से अपने रिलेशन बना के रहता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी डेमोक्रेसी के जो भी इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे प्रेजेंट टाइम के सोल्यूशन को, वो इश्यूज को लेकर के उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो इंडिया जो है अभी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी हमारे इंडिया में 2023 में, अभी जो है वो इंडोनेशिया यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडोनेशिया इसको लीड करेगा, चेयरमैनशिप इंडोनेशिया के पास में है। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है और अभी जो है इंडोनेशिया है, फिर इंडिया है, फिर ब्राज़ील है, फिर साउथ अफ्रीका, मतलब 2025 तक जो है ये साउथ जो वर्ल्ड है, मतलब इक्वेटर का जो साउथ वाला जो पार्ट है, सदर्न हेमिस्फीयर में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक तरीके से जो साउथ कल्चर जो है वो यहाँ पर डोमिनेंस करेगा, और यहाँ पर जो भी मेजर इश्यूज हैं और जिस तरीके से इन कंट्रीज़ ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है वो सारी चीज़ें, वो सारी आइडियोलॉजी जो हैं वो G20 को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि G20 जो ग्रुप है उसकी जब मीटिंग होगी इंडिया में तो इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि दिल्ली से बाहर वो मीटिंग करवाई जाए, जिसकी वजह से हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है, स्पेसिफिक अगर हम इसकी बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के हमने इसकी जो मीटिंग है वो डिसाइड किया था, लेकिन अब इसमें कोई अभी क्लियर नहीं बोला गया है, क्योंकि उसके बाद में जब हमने जम्मू एंड कश्मीर डिसाइड किया तो यहाँ पर अपोज देखने को मिला, पाकिस्तान ने भी इसका अपोज किया कि अभी इसमें जो इशू है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आ पाया है। इंडिया का बेसिक रीजन ये है कि हम हमारे दिल्ली से बाहर इस तरीके की मीटिंग ऐसे एरिया में करवाई जाए ताकि हम हमारे टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर सकें, हम दिखा सकें कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है जिसको देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग आ सकते हैं। मतलब एक तरीके से इंडिया जो है वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए भी ये सारे काम कर रहा है। तो जब इंडिया इसको लीड करेगा तब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि दिल्ली जो है वो क्या क्या चॉइसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 7 पर, यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं पेज नंबर 7 पर, और इन डाटा में ये बता रखा है कि देखो किसी भी चीज़ को लेकर के जो पेटेंट अगर हमें लेना है इंडिया में, तो इंडिया में जो पेटेंट के लिए जो फाइल अपलोड की जाती है, फाइल के लिए अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, तो उसमें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम लगने का एक बेसिक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पर मैन पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसीलिए लोग जो हैं वो फॉरेन कंट्री से पेटेंट के लिए अप्लाई करने लग गए हैं। वो टाइम के साथ में चाइना और US से जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है अदर कंट्रीज से एप्लीकेबल करना, क्योंकि इसका बेसिक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पर जितना टाइम लगता है ना उससे लगभग 1/3 टाइम जो है वो काफ़ी कम लगता है अदर कंट्रीज़ में। ये रीज़न है कि लोग जो है वो वहाँ पर जो है ज़्यादा वहाँ पर एप्लीकेबल जो है अप्लाई कर रहे हैं पेटेंट पॉलिसी के लिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि मैन पावर की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो मैन पावर है वो काफ़ी कम है, लेकिन चाइना और US के ऑफिसेज में, पेटेंट ऑफिसेज में अगर हम मैन पावर की बात करें तो चाइना में 15 टाइम्स और US में 9 टाइम्स ज़्यादा है इंडिया से। यही बेसिक रीजन है, वहाँ पर जो वर्क है वो काफ़ी ईजिली और काफ़ी फास्ट तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें कंपटीशन बिल के बारे में बता रखा है। राइटर ने ये बताया है कि देखो टाइम के साथ में जिस तरीके से मार्केट जो है वो चेंज हो रहा है और मार्केट में भी टेक्नोलॉजी बेसिस जो एडवांसमेंट देखने को मिल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ रहा है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो फैक्टर्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है अदर देन प्राइस। तो ये अमेंडमेंट्स लाना ज़रूरी था। कंपटीशन कमीशन जो एक्ट है, कंपटीशन एक्ट जो है वो 2002 में लाया गया था ताकि एक हेल्दी कंपटीशन जो है बना रह सके। अभी इसमें चेंज किया गया है, और चेंज करने के बेसिस पर सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम बोलें तो सबसे ज़्यादा इसमें चेंज किस बात पे किया गया है, चेंज इस बात पे किया गया है कि अभी जो डील, मान लो
जी दो पार्टी जो हैं वो आपस में मर्ज होती हैं, तो वो जो डील है उस डील की वैल्यू क्या है उसके बेसिस पर यहाँ पर जो है वो सब कुछ फोकस करने की कोशिश की गई है। इसके बेसिस पर यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कंपटीशन कमीशन को जो अर्ज किया जाता था जिसमें पहले वो लंबा टाइम लेता था अपना रिजल्ट देने में, अब उसको डिक्रीज किया गया है 150 डेज तक और 30 डेज का यहाँ पर एक्सटेंशन देने की भी कोशिश की गई है। पहले 210 मतलब 210 दिन का यहाँ पर टाइम लगता था। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बात बताई गई है कि दो कंपनीज अगर उनमें कुछ कंपटीशन होता है या उसमें दोनों कंपनीज मिलकर के एक साथ मिलकर के मर्जर के थ्रू जो है अपना काम करना चाहते हैं और उनमें कोई इशू आते हैं, तो यहाँ पर एक गन जंपिंग एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की गई है कि वॉट इज गन जंपिंग, पार्टी शुड नॉट गो अहेड विद ए कॉम्बिनेशन प्रायर टू इट्स अप्रूवल। ओके, मतलब जो पहले उनको एक अप्रूवल मिला है कि वो इसके साथ में जा सकते हैं लेकिन पार्टी जो है वो नहीं जाना चाहती हैं, तो यहाँ पर जो कंबाइनिंग पार्टीज़ हैं उनको एक तरीके से अप्रूवल से पहले जो भी नोटिफाइड ट्रांजेक्शन जो है या जो भी उनको लेकर के ट्रांजेक्शन को लेकर के जो इशू है तो कमीशन की नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए कि किस तरीके से पार्टीज़ ने मर्जिंग की और किस तरीके से जो है जो प्रॉब्लम है वो अभी प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। तो ये जो कमीशन की जो नॉलेज है, मतलब विदाउट कमीशन नॉलेज जो इशू किया जाता है, जैसे कि दो पार्टीज़ हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हुई, उन्होंने अलग अलग होकर के अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, कमीशन को इसके बारे में बातें नहीं बताई, नॉलेज नहीं दी, तो इस इशू को बोलते हैं गन जंपिंग। तो इस अमेंडमेंट में गन जंपिंग जो इशू है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की गई है। मार्केट में जो पार्टीज़ हैं उनको क्या क्या इशू देखने को मिलेंगे उन सारे चैलेंज को यहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। कमीशन के बेसिस पर ही डीजी लेवल जो है वो कोई भी इशू जो होता है, कोई भी सेटलमेंट जो होता है, उन सभी को यहां पर व्यू करने की भी कोशिश करेंगे। ओके, तो ये चेंज किया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है टोमेटो फ्लू को लेकर के। अभी एक लैंसेट की रिपोर्ट पब्लिश होती है और इस रिपोर्ट में लैंसेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन जनरल, तो 17 अगस्त को उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने बोला कि इंडिया के सदर्न पार्ट में अगर हम देखें तो न्यू एक वायरस जो है वो इमर्ज हुआ है और 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, केरला में इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। और उन्होंने बताया कि टोमेटो फ्लू जो है, तो टोमेटो फ्लू का नाम उन्होंने इसलिए दिया कि टोमेटो की तरह, मतलब स्टार्टिंग में स्मॉल होता है फिर धीरे धीरे रेडिश कलर में काफ़ी बड़े लेवल पर इफेक्ट करता है, हाथ पांव और मुंह जो है वो इससे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसमें बता रखा है कि देखो गवर्नमेंट ने इसको लेकर के इशू क्रिएट किया है कि आपने जो है टोमेटो फ्लू जो है ये वर्ड यूज़ किया, लेकिन आप टोमेटो फ्लू जो है मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बात बोली है कि टोमेटो फ्लू आपने किस बेसिस पर इसको वर्ड दे दिया। भाई लोगों को तो ये लग रहा है ना कि टोमेटो खाने की वजह से ये फ्लू जो है वो फैल रहा है, तो एक बेसिक अवेयरनेस तो आप क्रिएट करो। आप टोमेटो फ्लू नाम दे रहे हो तो एक बेसिक अवेयरनेस तो क्रिएट करो कि हाँ ये टोमेटो फ्लू नहीं है और ये जो है वो किसी वायरस और इसकी टोमेटो जैसी यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है इसलिए इसको टोमेटो फ्लू बोला जा रहा है। ओके, तो मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बोला है कि जो भी आपने स्टेटमेंट दिया उसको क्लेरिफाई करने की आप कोशिश करें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे जो CGI एनवी रमन्ना, उन्होंने बोला है फ्री वाइज को लेकर के कि देखो फ्री वाइज को लेकर के कल भी हमने डिस्कस किया कि जुडिशरी ने ये बोला कि इसको लेकर के हम पार्टी बनाएं या हम जो है अपनी तरफ से कोई ऑर्डर पास करें या फिर जो है आप एक कोई लॉ लेकर के आओगे, इससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। फ्री वाइज एक ऐसा इशू है, आपको इसको लेकर के जो सभी पार्टीज़ हैं हमारी उनको लेकर के एक डिस्कशन होना चाहिए, तभी जा करके इसका रिजल्ट जो है वो निकल करके आएगा। ओके, तो यहाँ पर एनवी रमन्ना ने बोला है कि हम चाहें तो मैंडेमस दे सकते हैं। मैंडेमस मतलब होता है कमांड देना कि आप है ना इस पॉइंट के ऊपर काम करो। हम चाहें तो दे सकते हैं, हम चाहें तो गवर्नमेंट को दे सकते हैं, हम चाहें तो पार्टीज़ को दे सकते हैं, हम चाहें तो किसी को भी बोल सकते हैं ऐसे काम को, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो रिजल्ट निकालने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ही इसके ऊपर डिस्कशन करें, वो एक क्लेरिफिकेशन करें कि किन चीज़ों को हम फ्री वाइज में रखेंगे और किन चीज़ को हम सोशल सिक्योरिटीज़ में काउंट करेंगे, तो इसी के बेसिस पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने को मिल सकता है। बिल्किस बानो केस जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें जो पिटीशन डाली गई है, अभी जो रेमिशन पॉलिसी फॉलो की गई बिल्किस बानो केस में, जो लोग थे जिनको
इम्प्रिजनमेंट हो रखी थी, उनको रेमिशन पॉलिसी के थ्रू छोड़ दिया गया है। तो इसी को लेकर के अब रिव्यू पिटीशन यहाँ पर डाली गई है कि जो रेमिशन पॉलिसी के थ्रू जो प्रोसीजर किया गया उसको रिव्यू किया जा सके। तो बिल्किस बानो केस के बारे में कल हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कंप्लीट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्कस किया था, तो अगर आप न्यू हैं तो वहाँ जा करके इसको डिस्कस कर सकते हैं। एक स्मॉल गाइडलाइन या स्मॉल स्टेटमेंट आपके लिए दे देते हैं कि इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि इस केस को CBI ने गवर्न किया था और अभी जो है वो गुजरात स्टेट ने अपने इसको लेकर के अपना रिजल्ट निकाल दिया है, क्योंकि प्रिजन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट के पास में पावर है, लेकिन CBI ने इसको गवर्न किया, CBI ने इसको रेगुलेट किया, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को ही चाहिए था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसको लेकर के डिस्कशन करे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये हीनियस क्राइम था और हीनियस क्राइम में जो लोग हैं उनको इस तरीके से छोड़ देना, मतलब सोसाइटी में आप ये देने की कोशिश कर रहे हो कि कितना ही हीनियस क्राइम करो एक टाइम के बाद में आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इशू हैं जिनके बेसिस पर इनको दोबारा से रिव्यू किया गया है कि जो रेमिशन पॉलिसी फॉलो किया गया है उसको दोबारा से क्या किया जा सके, उसको दोबारा से व्यू किया जा सके। ओके, यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जापान की विजिट पर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जापान की जो गवर्नमेंट है वहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनका स्टेट फंडल जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता रखा है कि अभी नेक्स्ट मंथ जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ में डिस्कशन करेंगे और जो भी हमारे रीजनल इशूज हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद में वो जा सकते हैं जापान की विजिट पर, अभी इसको लेकर के कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो इसमें बता रखा है कि देखो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो ज्ञानव्यापी को लेकर के जो इशू था उसको एक तरीके से रिजर्व करने की कोशिश की है। ज्ञानव्यापी आप सभी को पता है कि ज्ञानव्यापी जो है इसमें जो टेंपल वाला रीजन है, मॉस्क्यू वाला जो रीजन है उसमें कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट सामने देखने को मिले कि यहाँ पर पहले टेंपल था फिर गलती से इसको कन्वर्ट करके मॉस्क्यू बनाया गया है, या इसका कुछ पार्ट जो है टेंपल है उसको उसी रूप में प्रिजर्व किया जाए। तो इसको लेकर के फिर इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई, इसको वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू भी रहा था, कुछ इसके वीडियो क्लिप्स जो हैं वो रिवील भी हो गए थे। तो इसी के बेसिस पर और भी ज्ञानव्यापी जो इशू है उसमें क्या रिजल्ट रहा है उसको कोर्ट ने सिक्योर किया है ताकि एक अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेस पर, और आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में UK में प्राइम मिनिस्टर की जो दौड़ है वो चल रही है कि कौन वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो यहाँ पर UK में ऋषि सुनक जो हैं उन्होंने एक बात रखी है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ताइवान की जो पॉलिसी है, मतलब ताइवान जो है और चाइना की जो पॉलिसी है कि वन चाइना पॉलिसी, उसको हम फॉलो करेंगे, हम चाइना के साथ में या ताइवान के साथ में अपने पर्सनली जो रिलेशन है वो मेंटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे और चाइना की जो भी स्ट्रेटजी है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है चाइना के बारे में है कि चाइना में मैक्सिमम जो क्लाइमेट चेंज का एक मेजर इशू जो है उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो हीट वेव्स है मतलब जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लेवल तक जो है वो इंक्रीज हो गया है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव जैसे कि डेली बेसिस पर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, आप हमारी जो आज़ादी सीरीज जिसमें हमारी जो हिस्ट्री जो है मॉडर्न हिस्ट्री उसको MCQ के थ्रू कंप्लीट करवाया गया है, उसको जाकर के भी आप व्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।